हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आप अपने घर पे एसी को जनरेटर से चला सकते हैं। हमारे घर में सबसे ज़्यादा करंट लेने वाला यही हमारा एक एसी है, जो वोल्टास का 1.5 टन का एसी है, 3 स्टार वाला एसी है। तो हम इसी को टेस्ट करेंगे कि ये जनरेटर पर चल सकता है या नहीं। जी, सबसे ज़्यादा लाइट लेने वाला एसी है हमारा, तो मैं आपको बाहर से भी चेक करवा देता हूँ। ये 3 स्टार एसी है हमारा, वोल्टास का विंडो एसी है। तो चलिए अभी हम इसको चेक करेंगे कि क्या आप इसको एसी जनरेटर पर इस एसी को रन कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं जनरेटर के पास। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ये वाला जनरेटर है, जो कि देसी जनरेटर है टोटली। ये 8 HP का इसका इंजन है और 5 KV का इसका जो है जनरेटर है। तो अभी हम इसको चेक भी करवा देते हैं। आप देख सकते हैं ये 5 KV का जनरेटर है और 230 वोल्ट ये देता है और उसका जो है 22 एम्पेयर मैक्सिमम ले सकता है। ये 50 फ्रिक्वेंसी है इसकी और 1500 RPM पर ये चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इसे जनरेटर को स्टार्ट करते हैं और हमारी जो मेन लाइन है उसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारी मेन लाइट कट हो चुकी है, जहाँ पर 0 एम्पेयर लोड हो चुका है। तो अभी हम जनरेटर चलाएंगे और जनरेटर के बाद हम एसी को रन करेंगे और उसके बाद हमको पता चलेगा कि ये उठा लेगा या ना नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम इस क्लैंप मीटर की मदद से पहले जनरेटर के एम्पेयर भी चेक करेंगे, उसके बाद एसी को ऑन करने के बाद भी इसके एम्पेयर चेक करेंगे। तो जनरेटर स्टार्ट होने के बाद आवाज़ सुनाई देने वाली नहीं है, तो हम इसे पहले ही लगा देते हैं। अभी ये 0 एम्पेयर पर है। पहले हम जनरेटर को ऑन करेंगे, उसके बाद जो नॉर्मल घर का लोड है वो भी साथ में चलेगा और उसके बाद हम एसी को ऑन करेंगे, उसके बाद देखते हैं कितने एम्पेयर इसके ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जनरेटर को स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसके एम्पेयर जहाँ पर स्टेबल हो चुके हैं, 1.7-1.8 एम्पेयर है, जो हमारे नॉर्मल घर का लोड अभी चल रहा है। तो अभी हम एसी का लोड चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमने एसी को ऑन कर दिया है। आपको थोड़ा सा जनरेटर का शोर सुनाई दे रहा होगा, लेकिन अभी इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट वोल्टेज 240 के आसपास आ रही है और जो हमारा जनरेटर था वो 1.7-1.8 एम्पेयर लोड अभी उस पर है। एसी ऑन होने के बाद भी हम चेक करेंगे उसको। अभी देख सकते हैं जो इनपुट है 226-222 के आसपास आ रही है और आउटपुट जो है वो 240 मिल रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो इसका जो कंप्रेसर है हम टर्बो मोड को प्रेस करके इसका कंप्रेसर ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप जनरेटर का भी देख सकते हैं कि उस पर लोड पड़ा है, तो कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है। अभी जो आउटपुट है वो 240-215 मिल रही है, 215 के आसपास है और जो इनपुट वोल्टेज है वो 227-228 आ रही है, 227-242 के आसपास आ रही है। जनरेटर की जो वोल्टेज है वो होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। तो अभी देखिए हमारे एसी ने कूलिंग देनी स्टार्ट कर दी है, कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं जनरेटर के पास, जनरेटर का भी हम आपको चेक करवा देते हैं कि अभी वो कितने एम्पेयर लोड ले रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि जनरेटर किसी भी किस्म का कोई भी धुआं वगैरह नहीं दे रहा है, कोई भी ज़्यादा लोड नहीं है जनरेटर पर, नॉर्मली चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो जनरेटर है इस पर 7.1 एम्पेयर इस पर करंट लोड आ चुका है। अभी 7.3 लोड आ चुका है हमारे जनरेटर पर। तो अभी ये इसका एसी का फुल लोड रहा है 6.5 और 7 एम्पेयर लोड होता है एसी का। अभी घर का जो लोड है वो कम हो चुका है। आप देख सकते हैं जनरेटर में अभी भी किसी किस्म की कोई भी वाइब्रेशन और किसी किस्म का कोई धुआं वगैरह नहीं आ रहा है, आसानी से ये लोड ले पा रहा है एक एसी का। अभी हमने आपको चेक करवा दिया है, हमारा जो 8 HP का इंजन है और 5 KVA का हमारा जनरेटर वो आसानी से एक एसी का लोड ले सकता है। लेकिन अगर आप न्यू जनरेटर बाई कर सकते हैं तो आप कम से कम 7.5 KVA का जनरेटर लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी 5 KVA का कोई जनरेटर है तो आप उस पर एसी को चला सकते हैं। तो अभी आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, जो हमारी इनपुट वोल्टेज आ रही है अभी ये लाइट पे है 225 आ रही है, 224-225, और जो आउटपुट एसी को मिल रही है वो 240 मिल रही है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आ रही है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आसानी से जनरेटर इसको चला सकता है एसी को। अगर आपके पास कोई भी साइलेंट डीजी है तो उस पर तो आप बड़े आराम से एसी को चला सकते हैं, लेकिन वो कम से कम 7.5 KVA से ऊपर का होना चाहिए। अगर आपके पास 10 KVA का डीजी है तो आप उस पर 2 AC चला सकते हैं। अगर आप इस तरह के देसी जनरेटर पर भी एसी को रन करते हैं तो आपके एसी में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है।
तो अगर आपने एक एसी चलाने के लिए जनरेटर रेडी करवाना है नया, तो आप 7.5 केवी का जनरेटर लीजिए। अगर दो एसी चलाने हैं तो 10 केवी है, और अगर आपने तीन एसी चलाने हैं तो आपको 15 केवी का जनरेटर लगने वाला है। आप साइलेंट डीजी भी ले सकते हैं, उस पर काफ़ी अच्छे से चलता है, उसकी लाइट जो है फ्लक्चुएट भी नहीं करती है, वो कंपनी के होते हैं, अच्छे होते हैं। अगर आपने इस तरह का देसी जनरेटर भी तैयार करवाना है तो आप 7.5 केवीए का कम से कम करवाइए। अगर आपके पास ऑलरेडी 5 केवीए का जनरेटर है तो आप उस पर भी अपने जो है एसी को चला सकते हैं, एक एसी और आपके घर के लोड के साथ साथ आसानी से ले पाएगा, उसका लोड ले लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं।